अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई नो बहुत टाइम के बाद ही मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आप लोगों को तो मैंने अपडेट कर ही दिया था कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी, क्या क्या हुआ था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख शुक्र से सब कुछ ठीक हो गया है। बहुत दिन पहले सब कुछ ठीक हो गया था बट मैं एक अच्छे मोमेंट का वेट कर रही थी कि मैं तभी से व्लॉग स्टार्ट करूँ। सो हम लोगों ने सोचा था कि अजमेर शरीफ का एक ट्रिप प्लान करेंगे, तभी से मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी। सो या अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने अजमेर शरीफ की ट्रिप, तो आप लोग ये पूरा व्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए। गाइस मुझे ना डांट पड़ने वाली है क्योंकि मैं चली गई थी अभी वीडियो बनाने के लिए और हमें अभी निकलना अजमेर शरीफ के लिए और मैंने पैकिंग तक नहीं की अपनी पैकिंग। मैंने नहीं जा रहे हो तुम लोग? टिकट बुक है? हाँ। कौन सी टिकट बुक है? वो मैंने ट्रेन के टिकट बुक है। भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? भाई पहले इंट्रो दे दो वो वाला, इधर आओ। हाँ अजमेर, अच्छा शेविंग करा के आके दोगे? मैंने पैकिंग ही ना की अपनी अभी। कभी बूट ले आऊं, कभी कॉलेज चली जाऊं, कभी पैंट ले आऊं, कभी कुछ ले आऊं, कभी कुछ ले आऊं। आज भी डांट कर होगा। मैं बूट लेने जा रही थी, इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। किचन में काम पड़ा रहा है। ये मेरा बैग रखा है, मैंने अपने लिए बड़ा वाला निकाला था बट इन लोगों ने ना छोटा वाला मेरे लिए छोड़ा है। मुझे नहीं लगता इसमें मेरे कपड़े आएंगे। आई नो कि इतने दिन के लिए नहीं जा रहे बट रखूंगी, नाइट सूट रखूंगी, स्लीपर रखूंगी, बूट्स में लेकर नहीं आई, मुझे लाने नहीं दिया इन्होंने, जाने नहीं दिया क्योंकि मैं कल गई थी और कल मुझे पसंद नहीं आए थे तो मैं छोड़ आई थी उन्हें, मतलब आज फिर जाना था तो इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। ब्रश रखना उन्होंने को, अच्छा वो याद दिला दिया मुझे भी अपना ब्रश रखना है। अवान ने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अवान जो है वो ही बोलते रहेगा पूरे टाइम, आप लोग सुनते रहना एक ब्लॉग में अवान पता नहीं कितने बार बोलने वाला। गाइस बुराक मस्ती कर रहा है जाने से पहले। दवा गुड़िया कैसे खा रही है? भूख लग रही है। गाइस बहुत बढ़िया उड़द चावल बनाती है नाजिया भाभी। अभी अभी देखता हूँ, मैं सोचता हूँ खाने के लिए थोड़ा सा खा लूंगा। चलो चलो ठीक है। एज ऑलवेज ये पराठे बना लिए अपना ड्रामा देखते हुए। एंड ये मेरा भी फेवरेट है कैसी तेरी खुदगर्जी। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट आई लव दिस सीरियल। इसमें बन रही है हमारी आलू की कतली। ये सब मैंने काटा है ऑमलेट की भुजी बनाने के लिए। अंडे की भुजिया, ऑमलेट की भुजी, अंडे की। और रात के बज रहे हैं 11। हम अभी बर्तन धो रहे हैं अपना खाना वगैरह, किचन जो है समेट रहे हैं सब। जो बैग्स है ना वो हम लोगों ने नीचे कार में रखवा दिए हैं, सब कुछ हो गया, बस खाना पैक करेंगे और हम लोग ऐसे ही चल देंगे। 11 बज रहे हैं अभी रात के, तो हमें 12-1 बजे तक निकलना है। आज ये भी साथ नहीं दे रहा हमारा चॉपर, ये चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों अटक रहा है। सर पे गिर गया भगोने का ढक्कन, सर इनका हो गया इतना मोटा। मतलब मेरी बात एक समझ में ये नहीं आ रही कि रात के 12:30 बजे सफर में जाया जा रहा है तो तैयार होकर क्यों जाया जा रहा है? भगवान ऐसे सो रहा है, ये बुरा कैसे सो रहा है बताओ? बच्चों को कैसे लेके जाया जा रहा? अभी हो रहा है 12:30 बजे तो हम 12:30 बजे घर से निकल रहे हैं। चले अभी मैंने स्ट्रेटनर अपना कैसे लिया, चार्जर, ईयरफोन, मास्क, बैग। निकल रहे हैं, में बड़ी नींद आ रही है मुझे। डस्टबिन बाहर रख दिए, कूड़े वाली आंटी आएंगी सुबह को तो बहुत बैल बजाएंगी, परेशान होंगी। तो यहाँ रख दिए, वो यहाँ से कूड़ा ले जाएंगे, फिर कोई आएगा घर पे तो वो अंदर रख देगा। आ जाओ अवान, आ जाओ, उठ गए आप? मैं जा रही हूँ। आ रही है? क्या पता है रात में हम लोग इसलिए निकल रहे हैं ताकि हम सुबह तक पहुंच जाए आराम से। रात का सफर थोड़ा बेटर रहता है दिल से। ये स्कूटी में ये सिलेंडर? सिलेंडर क्यों? सेंटर लेके जाऊं? सेंटर पकड़ा जा। रात के बज रहे हैं 12, 12:30 बज रहे हैं और मैं अभी इकला जाऊंगा। इकला? मैंने भी वही कहा, मैंने कहा हम लोग इतना कहाँ खाते हैं, ढाबा पे रुक के खा लेंगे। एक काम करेंगे ना, ले लिए ना डिस्पोजल लेने पे। प्लेटें लिए? आज करा क्या इन्होंने? ऐसा करते वो गैस का चूल्हा था और क्या कहते हैं भगोने बड़े बड़े बैग बना लेते वहीं पर। ये भी होती है मेरा बेटा, ये मेरा फेवरेट नोनू, चौथा नोनू। इसकी आंखें कितनी लाल हो गई। एक बात तो बताऊं जी, तुमने खाना जो लिया है
तुम ये कहाँ रखोगी अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोगों ने पढ़ ली है सफर की दुआ, अब हम लोग निकल रहे हैं 12:40 पर। इंशाल्लाह देखो कब तक पहुँचते हैं, सही सलामत सब लोग पहुँच जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हमने चलाया अपनी कार में ताज दारे हरम, तो सुनते हुए जाते हैं और जो जो न्यू अपडेट होती रहेगी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। 3 बज गए, हम दिल्ली आ गए, लेकिन रक्षा की तरह मैप जो है रास्ता भटका देता है, तो हम थोड़ा बहुत रास्ता भटक गए। सो ये दिल्ली है मेरे यार। बुराक क्या मजा आ रहा है, बुराक तो पूरे रास्ते लाइट्स देखता हुआ जा रहा है, और आप क्या करते हुए जा रहे हो? मैंने पीछे देखा। ओह माय गॉड, मेरे बेटे ने पीछे एयरपोर्ट देखा। माय, इन दोनों ने मेरा कचूमर बना दिया। तो गाइस, हेलो गाइस, अभी हम एक घंटा दिल्ली में भटकने के बाद अभी हम एक ढाबे पे रुके हैं। सो अभी वो लोग तो वॉशरूम गए हैं, और हमारी कार का हाल देखो, ये कंबल पड़ा है, ये कंबल और ये तकिया, मतलब पूरी कार ऐसी हो रही है ना, लाइक ऐसा लग रहा है रूम में फैलावा। इतने लंबे ट्रेवल पे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है 700 किलोमीटर है हमारे घर से अजमेर शरीफ, और अंदर का कोई अलग पता नहीं, और जहाँ पे एक घंटा भटकने के बाद इतना लंबा सफर है, जाहिर सी बात है थक गए हैं, थोड़ी थोड़ी नाप ली है बट पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाए हैं। और ये बच्चे का क्या हाल हो रहा है देखो जरा, कितने क्यूट क्यूट लग रहा है मेरा बेटा। बच्चे भी धोते रहे, पता नहीं कहाँ आ गए। विराग सोच रहा भाई कार कौन सी सजा दे रहे हो ये तुम, रात को पता नहीं कहाँ लाइटें दिख रही है मुझे ये। सो ये रही मेरी कोल्ड कॉफी, कह रही है दिखाई अपनी कोल्ड कॉफी कैसी है। कोल्ड कॉफी ऐसी है देखो, मतलब गरम के ऊपर ठंडी, ठंडी के ऊपर गरम। मेरी कॉफी पे नियत डालने वाले लोग। हाँ, एक सिप मारना, ज्यादा मत पीना, कभी पता चले पूरी खत्म कर दी मेरी। भाई पूरा पी रही है, मुझे ये खाना। सब जने सो रहे हैं, सब जने, हमारी ब्लॉगर भी, ये ब्लॉगर उल्टी हो गई है। चाय पी के नींद भागती है ब्लॉगर, चाय पी के चाय थोड़ी पी के बैठे बैठे, इतनी देर हो गई 5 घंटे हो गए। जबरदस्ती उठा आने वाला है ना, जबरदस्ती उठा है। दिन भी निकल गया, चाय जो बना के लाया हम, खाना पता नहीं कहाँ खाया। गाइज हम ना जयपुर में आ गए, और मेरी बहन को दिन निकलते ही उल्टी आ गई। मैं सोच रही यार इसको ना सबसे ज्यादा उल्टी आती है। वाह शाजिया वाह, परंपराएं ना टूटने मत देना उल्टी वाली। हम लोग रुके एक और ढाबे पर, अभी सुबह के बज रहे 8, आज मेर 90 समथिंग रह गया। चाय ऑर्डर किए, अभी होटल में हमें चेक इन करना है, अंदर पार्किंग नहीं है तो कार पार्किंग में लगेगी, और हमें अपना सारा सामान रिक्शा में लेकर जाना पड़ेगा होटल तक। सामान कैसे भर के लेके जाना पड़ रहा है यार। नाजिपी शादी को कह रही है काला दे रहा है, काला दे दे, अभी तक तो हवाना बुरा की काला जगत काला। पैक इन कर लिया है, और मैं आप लोग को रूम टूर करवा देती हूँ। ये ज़ारत के बिल्कुल पास वाला होटल है और अच्छा है। हाय बुराक, हेलो बेबी, हाय। ये यहाँ का बाथरूम, ऑब्वियसली सबसे पहला हम लोग यही चेक करते हैं। ये यहाँ पे इतना बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। ये यहाँ का बाथरूम, ये आई थिंक बालकनी है, आगे गली का नज़ारा देख सकते हो। बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ, एक्चुअली सभी थक गए हैं, क्योंकि रात के 12 बजे हम लोग निकले थे और अभी सुबह के नेक्स्ट डे के 10 बज गए हैं, तो ट्रैवल करते करते थक गए, हालत एकदम खराब हो गई है। सो अभी ब्रश व्रश करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। मैं आगे शावर लेकर, और ये सब थके हारे कैसे लेटे हुए हैं, तो हम घर से नाश्ता बांध के लेकर आए थे, फाइनली उसका टर्न आ गया खाने का। हमारा घर का खाना अब हम खा रहे हैं।
रास्ते में खाया नहीं और ये फिर वेस्ट होगा अगर हम कुछ ऑर्डर करेंगे तो बेटर है कि यही खा लेते हैं। खाना वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो लड़का अच्छा था जैसा हम कहीं समझ रहे थे कि वो हमें लूट लेगा। इनकी बातें देखो, यहाँ पर आके बंदा मिला जो कि इनके एजेंट होते हैं होटल वालों के, तो वो मेरा तो ये सब मुझसे कह रहा है कि ऐसा मत जाओ कभी लूट नहीं, नहीं। जैसे मेरे पास पता क्या हुआ, हम लोग कार में बैठा पाते, उसने बोला आओ मेरे साथ चलो। भाई अपना फोन नहीं लेके गए, ऊपर से कार की ले गए, कुछ नहीं लेके गए और मिलते रहे हम परेशान हो गए क्योंकि स्ट्रेंजर्स पे एकदम से भरोसा नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं माइंड में। अच्छा निकल गया, वो अच्छी बात है। इस खाना खा लिया है मजे से, पेट भर गया एकदम, एनर्जी आ गई और अब हम लोग पी रहे हैं चाय। ये घर वाली चाय हमारी बहुत ही मजेदार, गर्म है अभी तक बहुत ज्यादा। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मिलते हैं आपसे सोकर उठने के बाद और उसके बाद जाएंगे हम लोग ज्यारत पर क्योंकि अभी बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तो ऐसा हम जा नहीं सकते क्योंकि पूरी रात के हम सोए नहीं थे, बहुत ही मतलब ऐसे नैप ले ली थी 5-5 मिनट के, कार में ऐसा नींद तो आती नहीं है। सो बुराक भी सोएगा, अभी हम सब लोग सोएंगे और मिलते हैं आप लोगों से सोने के बाद। सो गाइस, मैं उठ गई हूँ सोकर, बाकी सभी लोग अभी सो रहे हैं, मैं सबसे पहले उठ गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शाम के 5 या 6 बज गए हैं सोते सोते। और मैंने उठ के देखा तो पता कितना टाइम हो रहा था, 12:58। तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि फिर जल्दी जल्दी होती है, रोटी तैयार करने में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, जल्दी तैयार हो। खैर मुझे तो वैसे भी नहीं लगता टाइम, 10 मिनट लगते हैं प्रॉपर रेडी होने में। अब मैंने अभी अपना जो ये क्रिम्पिंग के लिए मैंने अपनी जो रोड है ना वो हीट पर लगा दी है क्योंकि मुझे क्रिम्पिंग करनी है क्योंकि मैं सूट पहनूंगी ना और सर पे दुपट्टा ओढ़ना, और अब पता नहीं क्यों अजीब अजीब से उड़े उड़े से बाल हो रहे हैं, बहुत चिपक रहे हैं। मैं जो है क्रिम्पिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ना एक बड़ा सा बन बना लेंगे, फिर उसके ऊपर दुपट्टा ओढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे छोटे बाल हो गए और तो हैं कम, अगर जोड़ा बनाऊंगी बन बनाऊंगी तो वो इतना सा बनेगा, इसलिए पहले हम क्रिम्पिंग करेंगे उसके बाद बन बनाएंगे। तो चलो गाइस जल्दी से हम क्रिम्पिंग कर लेते हैं। मेरी हेयर जो है वो चेंज कर लिया मैंने, ये पहना है सूट। उल्टे हो गए, अच्छा बुराक जो है ना 5 महीने का हो गया माशाल्लाह, और ये जनाब जो है ना उल्टे हो जाते हैं, उल्टे करवट लेने लगे हैं, ये पिनों से गिर गए। देखो हमारा हीरो कितना स्मार्ट लग रहा है ना, और ये देखो बुराक के छोटे छोटे शूज कितने क्यूट लग रहे हैं। गाइस मेरा जो पाउडर है वो नाजुक के लिए रोने वाला सो रहा है, तो देखो मैंने मान बुराक का पाउडर लिया, बट मैं इतना लगाऊंगी नहीं, बहुत ही नॉर्मल मेकअप कर दिया। बहुत ही लाइट बस पिंकिश मेकअप किया है, मेरे चीक्स पिंकी है, आई शेडो पिंक लगाया है, लिपस्टिक पिंक लगाया है, अदरवाइज मैं ना मस्कारा यूज कर रही हूँ, ना काजल ना लाइनर, बहुत ही नॉर्मल नेचुरल सा बहुत लाइट मेकअप मैंने रखा है। और मैंने क्यों नहीं लगाया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मस्कारा वगैरह, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ, दुआ मांगते टाइम से आंसू नहीं रोक पाऊंगी, सो वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा पूरा, भूतनी बन जाऊंगी मैं, तो बेटर है कि लगाओ ही मत, भूतनी ही नहीं बनोगे, तो मैंने इसलिए नहीं लगाया। इतनी ज्यादा नोटी हो रही हो आप, मैं कैसे, हमारे सेल्फी मोमेंट्स कभी नहीं छूटते, ये देखो मिली। चलो अब हम चल रहे हैं, रात हो गई, आओ किधर से जा रहे हो, स्टेयर से जाओगे, पता है भाई को देख कैसा लग रहा है, उम्रा करने के लिए आए, इंशाल्लाह एक दिन सब उम्रा करने भी जाएंगे, आमीन सुम्मा आमीन, सब उम्रा करने जाएंगे, फिलहाल अभी अजमेर शरीफ की दरगाह कर लेते हैं। माई गॉड साहि, अपना लहंगा उठा के, हाँ लहंगा उठा के लेके चलेंगे अब। माशाल्लाह कितनी प्यारी फैमिली लग रही है, और इन जनाब को भागने की इतनी जल्दी आ रही है। यहाँ कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे तो उनके साथ फ़ोटो लिया था, उसके बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए थे रात में, इसलिए हम लोग सीधा मज़ार चले गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था, नाज़पी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था भीड़ की वजह से। यहाँ हम चादर देख रहे हैं पूरे मज़ार की, कौन सी वाली चादर हम लोगों को चढ़ानी है, इसमें 3 साइज़ थे, एक मीडियम थे, एक छोटा था और एक फुल मज़ार का था, तो हमने पूरा वाला लिया था क्योंकि नाज़पी की बोली हुई थी। बेशक सभी लोग जानते हैं कि देने वाली ज़ात और मुराद पूरी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ की दुआ से नाज़पी की मुराद पूरी हुई, इसलिए
चादर चढ़ाई हम लोगों ने। चादर जो है वो नाजिब की और भाई की बोली हुई थी, तो उन लोगों को मज़ार तक लेके जानी थी सर पे रख के, लेकिन मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने थे तो इसलिए मैंने सर पे रखी, और थोड़ी दूर तक अंदर तक मैं लेकर भी गई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तो यहाँ मैं अपनी रील बनवा रही हूँ, मज़ार के अंदर तक हम लोग जा रहे हैं, और हम यहाँ पर ऊपर जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं जो अकबर बादशाह ने यहाँ पर बनवाई थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर अपनी मन्नत के पैसे या जो आप डालना चाहो वो डाल सकते हो देख के अंदर। तो यहाँ से होते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर जिसका वजू नहीं होता वो वजू कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आ रही थी, सच में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने फिर बैठ कर दुआ मांगी, जिसकी जो भी दुआ थी बस अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ से हम लोगों की दुआ को कबूल कर। तो गाइस मन्नत का धागा बांध दिया हमने, और ये गले में डालना है, और मेरी मतलब इसमें दामन में फूल है, और अवान ने बहुत अच्छे से दुआ मांग ली। अवान कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? नाजिब भी कैसा लगा? बहुत सुकून मिला ना, शादी तो रोई जा रही है बहुत ज्यादा। शादी करिए ख्वाजा साहब, मेरी शादी करवा दो जल्दी से फिर आप लोगों को उसका व्लॉग मिलेगा देखने के लिए। हाँ बेटू ये तो सो रहा, नींद पूरी कर रहा, यहाँ बैठ जाओ, बनाओ फोटो खींचो आप लोग के। बुराक ने भाई परेशान कर दिया हमें, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो जल्दी से होटल भागना पड़ेगा। ओ इसको ना भूख लगी है और नींद आ रही है, और क्राउड भी बहुत ज्यादा है ना, तो इरिटेट हो रहा है। हम होटल ही भूल गए, होटल ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया, और ऊपर से बुराक ने मेरे ऊपर इतना सारा दूध निकाल दिया। आज तो होटल पकड़ना मुश्किल हो गया सच में, बहुत मुश्किल। देखो ये मेरे शोल्डर पे क्या किया है इसने, इतना दूध निकाला है। आने के बाद जो है बस सो गया फोन चलाते चलाते, अब मैं इसको लिटा देती हूँ। तो गाइज आज का जो दिन है वो हुआ कंप्लीट। हम लोग एक बार फिर से ज़ारत पर जाएंगे जब भीड़ कम हो जाएगी, सुकून से बैठना है बहुत, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैंने इसी व्लॉग में सब कुछ दिखाया तो। और आगे की जर्नी हमारे देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना, और व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और हाँ ये ज़रूर बताना कि कितना ज़्यादा मिस किया आपने हमारे व्लॉग्स का। और जो न्यू है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है सब्सक्राइब कर रखा है तो वो बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी हमारा व्लॉग आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारा व्लॉग देखना मिस ना कर पाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं न्यू व्लॉग में, लव यू ऑल।